आखिरकार ऐसा क्या किया बिल गेट्स ने कि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता अब दुश्मन बन गई है बिल गेट्स के और कहने लग गई है #arrestbillgates। बिल गेट्स के ये जो प्रयास हैं, क्या ये मानवता को सुधारने के लिए हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान, हमारे देश में जिस तरीके से चीप लेबर है या फिर लोगों की जानें सस्ती हैं, वो ये दर्शाना चाहते हैं। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं मैं राहुल बोध के नाम से, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चल रहा है, #arrestkarobillgatesko। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि एक एनजीओ है पाथ और इसने जो है अनऑथराइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स किए और यहां पर इस पाथ को फंड किया है बिल गेट्स ने। जी हाँ, बिल गेट्स की रजामंदी के बिना ये कर पाना असंभव था। पूरा मामला आपको समझाता हूं दोस्तों। ये 2009 की बात है। बिल गेट्स ने, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF ने एनजीओ पाथ को फंड किया और उन्होंने दोस्तों अनऑथराइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करे एक वैक्सीन के, और वो भी किन के ऊपर, हिंदुस्तान की गरीब जनता के ऊपर। और ना सिर्फ हिंदुस्तान, बकायदा पेरू में भी हुआ ये। दोस्तों आपको बता दूं, आपको कुछ कंट्रीज के नाम इसमें शामिल हुए हैं कि ये युगांडा में, पेरू में और वियतनाम में हुआ है। और ये जो वैक्सीन है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV की वैक्सीन बनाने के लिए लिया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत से 14,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किए गए, जहां पे काफी लोगों की तो मृत्यु हो गई और कुछ लोग जो है इस बीमारी से अभी भी जूझ रहे हैं, इस वैक्सीन से जूझ रहे हैं। दोस्तों जब ये बात सामने आई है तब अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया और प्लस बिल गेट्स ने ये क्या सोच के किया। इंडिया में गरीबी है, इंडिया में फैमिलीज जो है कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें सामने आती हैं कि पैसों के लिए कभी लड़की को बेच दिया जाता है, कभी लड़के को बेच दिया जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन ये तो हद हो गई है। अब जैसे इस पे और कड़ा मामला सामने आएगा, पूरा डिटेल सामने आएंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको बस चैनल के साथ बने रहना है और आपका क्या रिएक्शन है इस बात को सुनने के बाद मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूड्स।